क्वेश्चन 8, लेट ए इक्वल टू इन ब्रैकेट 6,8 एंड बी इक्वल टू 1, 3 एंड 5. लेट आर, आर सेट भी दिया है यहाँ पे, आर इक्वल टू इन ब्रैकेट ए कॉमा बी, वेर ए बिलोंग्स टू ए सेट, बी बिलोंग्स टू बी सेट एंड ए माइनस बी इज एन इवन नंबर. देन शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन. आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब आर इज एन एम्प्टी सेट. ये हमें प्रूव करना है. हमें क्या प्रूव करना है कि आर जो है ये एक एम्प्टी सेट है. तो यहां पे हमें क्या दिया है, देखो कि आर के जो आंसर आएंगे, मतलब आर सेट का जो आंसर है वो ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा. आर सेट का आंसर ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा. इसमें फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, फर्स्ट नंबर ए होना चाहिए और सेकेंड बी. ए जो है, फर्स्ट नंबर जो है दैट इज ए बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो ये दोनों में से कोई एक रहेगा, ए सेट. फर्स्ट नंबर ए जो है ये या तो 6 या तो 8 रहेगा और बी जो है वो रहेगा 1, 3, 5. बी बिलोंग्स टू बी सेट. लेकिन हमें कंडीशन क्या दिया है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. अगर ए माइनस बी करके इवन नंबर आता है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे एज एन आंसर. अगर a माइनस बी एक इवन नंबर आता है तो हम यहाँ पे एज एन आंसर उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे. तो a माइनस बी, a माइनस बी, सपोज a, a हमें कहाँ से लेना है, a सेट में से ही लेना है, इसमें से. तो इसमें से सपोज मैं लेता हूँ 6 माइनस बी, तो यहाँ पे b मुझे जो लेना है वो b सेट में से लेना है, कोई भी नंबर. मैंने ले लिया 1, तो 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5. 5 क्या है, ऑड नंबर, ये इवन नंबर नहीं है. अभी मैं लेता हूँ 6 माइनस दूसरा नंबर लेता हूँ इसमें से 3, तो 6 माइनस 3 3, ये भी क्या है, ऑड नंबर. अभी मैंने a को सेम रखा 6, फिर थर्ड नंबर लेता हूँ 5, तो 6 माइनस 5 यह 1, ये भी क्या है, ऑड नंबर. कोई भी हमें इवन नंबर नहीं मिल रहा a माइनस बी करके. अभी मैं दूसरा देखता हूँ a माइनस बी. अभी मैंने a में क्या लिया था, 6 लिया था. अभी मैं 8 लूंगा, 8 लेके देखेंगे, तो 8 माइनस यहां से एक नंबर 1, 7. 8 माइनस 3, 5. 8 माइनस 5, 3. और ये तीनों के तीनों क्या है, ऑड नंबर, ये इवन नंबर नहीं है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore a माइनस बी इज एन ऑड नंबर एंड therefore आर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, therefore आर इज एन एम्प्टी सेट एंड इट हैज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. मतलब हमने दिखा दिया कि कैलकुलेशन हमने दिखाया कि जितने भी आंसर आ रहे हैं ए माइनस बी के, उसमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है. और अगर कोई भी इवन नंबर नहीं है तो हम आर में आंसर ही नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर कब हम लिखेंगे, जब इवन नंबर आएगा तब. माइनस करके जब इवन आएगा तब हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इवन तो आया ही नहीं, सब ऑड आ गए. तो अगर ऑड नंबर सब आते हैं तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आर में कोई भी आंसर नहीं है, दैट इज इट इज एन एम्प्टी सेट. तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आर इज एन एम्प्टी सेट एंड इट हैज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. क्वेश्चन 9, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, ये जो रोस्टर फॉर्म है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था रोस्टर फॉर्म. एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज. इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज. सिंपल है, डोमेन एंड रेंज. पहले हम क्वेश्चन देखेंगे. तो फर्स्ट हमें दिया है आर वन सेट, आर वन इक्वल टू ए कॉमा ए स्क्वेयर, वेर ए
इज अ प्राइम नंबर, ए क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेस देन 15, लेस देन 15। बहुत ही सिंपल है, देखो अगेन हमें जो आंसर लिखना है वो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, आंसर हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। जो ए है, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं आर वन इक्वल टू ब्रैकेट, ए जो है वो एक प्राइम नंबर है, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15, तो फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो प्राइम नंबर रहेगा लेस देन 15। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, सेकेंड प्राइम नंबर है 3, फिर आता है 5, फिर आएगा 7, उसके बाद 11 और लास्ट प्राइम नंबर आएगा 13। 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17, लेकिन हमें 17 नहीं चाहिए, हम 17 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कंडीशन में बता दिया है लेस देन 15, जो 15 से छोटे प्राइम नंबर्स है वही हमें लिखना है यहाँ पे। तो मैंने ये लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो ए का प्लेस है वहां पे। अभी उसके बाजू में क्या है, ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, इसका मतलब जो प्राइम नंबर हमने लिखा है उसका ही हमें बाजू में क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। सिंपल है, ए और ए स्क्वायर, मतलब जो नंबर है उसका ही बाजू में स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 121 और 169। हो गया, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद हमें पूछा है डोमेन, तो यहाँ पे लिखो डोमेन इक्वल टू, डोमेन क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ब्रैकेट, और रेंज क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ब्रैकेट, दैट इज 4, 9, 25, 49, 121 एंड 169। तो डोमेन एंड रेंज तुम लोग खुद से लिख दो यहाँ पे। सेकेंड आर टू, आर टू इन ब्रैकेट ए कॉमा 1/a/0 लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 5 एंड ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत ही सिंपल है ये भी, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हमें ए क्या बताया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया, देखो ए का लिमिट है, ये ए का लिमिट है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 को हम इंक्लूड करेंगे, तो 0 से बड़ा और 5 से छोटा। मतलब यहां पे जो ए है उसके प्लेस में मैं लिख देता हूं पहले 1, 0 से बड़ा नंबर क्या आएगा 1, 0 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है, और सेकंड थिंग ये नेचुरल नंबर है ए, तो नेचुरल नंबर में 0 हम नहीं लिखेंगे, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक आएगा, क्योंकि ये क्या है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब 5 को हम इंक्लूड करेंगे। ए और बाजू में दिया है 1/a, मतलब बाजू में ही हमें क्या लिखना है, उसका इनवर्स लिखना है, इनवर्टेंडो जिसे कहते हैं इनवर्स, तो 1 है तो 1/1, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 और 5 है तो 1/5। ये जो 1/1 है इसको हम 1 ही लिखेंगे, 1/1 मतलब 1, तो ए और बाजू में उसका क्या लिखना है इनवर्स, 1/1 करके वो नंबर, 2 था तो 1/2, 3 था तो 1/3, 5 था तो 1/5। अब इसमें डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और रेंज क्या आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। जेड है इंटीजर्स नंबर्स, ये जेड इट मींस इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम आई भी लिखते हैं, इंटीजर्स दैट इज आई, और इंटीजर्स को हम जेड भी लिख सकते हैं। तो ये जो ए है ये क्या है, इंटीजर्स है, एंड ए का वैल्यू, ए का वैल्यू मेंशन भी किया है कि ए का वैल्यू 0 और 5 के बीच में है, 0 और 5 के बीच में का मतलब 1, 2, 3, 4, ए का वैल्यू 0 और 5 के बीच में मतलब 1, 2, 3, 4। तो हम एक बार ए का वैल्यू 1 लेंगे, बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू फिर 2 लेंगे, फिर ए इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू 4। हमारा इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू ए प्लस 1,
b equal to a plus 1, b equal to a plus 1 and b equal to a plus 1. तो यहाँ पे a का वैल्यू मैंने क्या लिया 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2. यहाँ पे a का वैल्यू मैंने क्या लिया है 2 plus 1 3. यहाँ पे 3 plus 1 4 और यहाँ पे 4 plus 1 5. ये हमारा इक्वेशन है b इक्वल टू ए प्लस वन, वो मैंने 4 टाइम्स लिख दिया. a का वैल्यू जो है वो है 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच इट मीन्स 1 2 3 4. तो मैं a का वैल्यू 1 2 3 4 ये चारों पुट करूंगा तो मुझे b के वैल्यूज मिल गए 2 3 4 5. हमें फाइंड क्या करना है, रेंज ऑफ r. हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ r सेट, मतलब जो R सेट रहेगा उसमें रेंज. रेंज रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज इट मींस सेकंड एलिमेंट. तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, B. और हमारे पास B के आंसर है, B के आंसर क्या आ गए 2 3 4 and 5 2 3 4 5. तो ये हमारा हो गया रेंज, रेंज ऑफ R. क्वेश्चन 11. Find the following relations as sets of ordered pairs. Find the following relations as sets of ordered pairs in that first x, comma y, that is our answer will be in the bracket form y equal to 3x. ये हमारा equation है. x belongs to 1, 2, 3. x का वैल्यू क्या है 1, 2, 3 एंड y belongs to 3, 6, 9, 12. ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो हमें यहाँ पे सिंपली हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है. ये ब्रैकेट के फॉर्म में हमें यहाँ पे आंसर्स लिखना है. आंसर्स लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r इक्वल टू, यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा. आंसर के लिए हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3x. इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 3x. तो यहाँ पे सपोज हमारा x के वैल्यूज कौन सा है 1, 2, 3. x के वैल्यूज कौन सा है 1, 2, 3. सपोज मैं पहले लेता हूँ 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 3. तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए 3. तो x का वैल्यू मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए 3. और 3 हमारे ये ब्रैकेट में है, इट मींस यहाँ पे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि वो ब्रैकेट में है या नहीं है. तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, y का आंसर आता है 3, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 3. x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3. सेकेंड, अगेन सेम इक्वेशन. अभी मैं x का वैल्यू लेता हूँ 2. अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो ये हो जाएगा 3 2 6, और 6 यहाँ पे है. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, तो ये भी क्लियर है कि x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y हो जाएगा 6. वैसे ही अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 9. सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा. और हमारे पास तीन वैल्यू ही है 1 2 3. 3 के आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बस यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा. हमारा आंसर है 1, 3, 2, 6 and 3, 9. फिर सेकंड क्वेश्चन, x, y, where y is greater than x plus 1, x belongs to 1, 2 and y belongs to 2, 4 and 6. okay, तो यहाँ पे ही हमारा equation है, y is greater than x plus 1. तो again यहाँ पे मैं r equal to इसका answer लिख दूंगा. और यहाँ पे पहले हम solve करेंगे y is greater than x plus 1. तो यहाँ पे x का value 1 and 2 है. x का value हमें क्या लेना है 1 and 2. अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा y is greater than 2. तो y का कोई 2 से बड़ा नंबर है क्या, है यहां पे देखो 4 एंड
सिक्स, y इज ग्रेटर देन टू, तो y में ऐसे कोई वैल्यूज है जो दो से बड़े हैं? हाँ है, कौन से वैल्यूज है? फोर एंड सिक्स। तो अगर मैं x का वैल्यू वन लूंगा तो y का वैल्यू होना चाहिए फोर, अगर मैं x का वैल्यू वन लेता हूं तो y का वैल्यू होना चाहिए सिक्स। इन शॉर्ट याद रखो कि हमारे यहाँ पे जो आंसर आने चाहिए हमारे, वो आंसर y में दो से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, दो से बड़ा नंबर फोर और यहाँ पे दो से बड़ा नंबर सिक्स। दूसरा हम वेरीफाई करते हैं अभी, y इज ग्रेटर देन x प्लस वन, y इज ग्रेटर देन, x का वैल्यू अभी क्या है? टू, टू प्लस वन, तो y इज ग्रेटर देन टू प्लस वन थ्री। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू क्या लिया है अभी? टू। x का वैल्यू अगर मैं टू लेता हूं तो y का वैल्यू ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। y का वैल्यू ग्रेटर देन थ्री, तो ग्रेटर देन थ्री कौन सा नंबर है यहाँ पे? फोर एंड सिक्स, तो टू कॉमा फोर एंड टू कॉमा सिक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इन शॉर्ट याद रखो हमें इक्वेशन में क्या दिया है, y इज ग्रेटर देन x प्लस वन, मतलब y का जो वैल्यू है वो x से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा वन और कैलकुलेट करके आंसर आया टू, मतलब टू से बड़ा नंबर। तो टू से बड़ा नंबर y की फैमिली में कौन सा है? y के ब्रैकेट में है फोर एंड सिक्स। तो एक बार हम फोर लेंगे वन के साथ और एक बार हम वन के साथ लेंगे सिक्स, वैसे एक बार टू के साथ फोर और फिर टू के साथ सिक्स। फिर हमारा थर्ड, अगेन ब्रैकेट x कॉमा वाई स्लैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। हमारा इक्वेशन यहां पे क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एंड x एंड y, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, यहां तक ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन। अभी इसमें ब्रैकेट के फॉर्म में अगेन हमें लिखना है, मतलब यहां पे मैं आंसर लिखूंगा ये r करके, और इसका कैलकुलेशन, मतलब हमें इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। तो अगर मैं x का वैल्यू जीरो लेता हूं, x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू थ्री लूंगा, x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू थ्री, ये जो ब्रैकेट है वो दोनों के लिए, x और y दोनों के लिए। तो x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू थ्री, तो जीरो प्लस थ्री थ्री हो जाएगा, मतलब x जीरो y थ्री, एक आंसर हमें मिल गया x जीरो y थ्री। अभी तुम लोग दिमाग चला लो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। x अगर हम वन लेंगे और y टू लेंगे तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, तो x के प्लेस पे वन, y के प्लेस पे टू। फिर x टू और y वन, x टू और y वन, तो टू प्लस वन थ्री, और अभी x थ्री y जीरो, थ्री प्लस जीरो थ्री, तो ये हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे टाइप के सम में, ये छोटे छोटे सम है एक मार्क के लिए। तो डायरेक्टली दिमाग चलाओ कि कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो थ्री आना चाहिए, तो जीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, एंड थ्री प्लस जीरो थ्री,